हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स का कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, इस पर एक वीडियो अपलोड करिए। बजट 2018 में कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी में चेंज किए गए हैं और जो एप्लीकेबल होंगे हमारे असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए। अभी तक हम यही जानते थे कि इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को सेल करने पर अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। टैक्स लगता था सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो कि 15% का होता था, लेकिन असेसमेंट ईयर 19-20 से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्सेबल कर दिया गया है अगर आप इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट करते हैं। इसलिए अगर आपने भी लिए हुए हैं इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल कर दिया गया है असेसमेंट ईयर 19-20 से। लेकिन अगर आपको इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को सेल करने पर लॉस हो रहा है तो अब आपको एक बेनिफिट दे दिया गया है कि आप उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आपकी कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है तो उससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म लॉस हो या लॉन्ग टर्म लॉस हो, दोनों को ही आगे के 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हैं। लास्ट असेसमेंट ईयर तक हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट था, इसलिए अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता था तो वो आप कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के केस में आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते थे। हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के केस में दूसरी कैलकुलेशंस रहेंगी और दूसरे प्रोविजंस रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप अपना रिटर्न रेगुलरली फाइल करेंगे। तो अगर आप अपना कोई भी लॉस सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको 8 साल तक या फिर जब तक भी आपका वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो जाता है, आपको कंटिन्यूस अपनी आईटीआर या अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। अगर आप बीच में मिस कर देते हैं कोई भी रिटर्न फाइल करना, तब आपका वो कैपिटल लॉस लैप्स हो जाएगा और फिर आप उसको नेक्स्ट रिटर्न में क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिटर्न जरूर फाइल करिएगा अगर कैपिटल लॉस हो रहा है। तो बात करते हैं कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी पर और देखते हैं कि क्या प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुए हैं असेसमेंट ईयर 19-20 से। 1 अप्रैल 2018 से सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 को एक्ट में से डिलीट कर दिया गया है और ये सेक्शन कहता था कि अगर आप कोई ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर्स का या म्यूचुअल फंड्स का और उससे आपको कोई कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। ये सेक्शन डिलीट कर दिया गया और इसकी जगह इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू सेक्शन असेसमेंट ईयर 19-20 से, जो कि है सेक्शन 112A। और सेक्शन 112A तभी एप्लीकेबल होगा जबकि आपने शेयर्स खरीदते टाइम या आपने बेचते टाइम एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। सेक्शन 112A में कैलकुलेशन बताई गई है कि अगर आप कोई इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल आउट करते हैं और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको कैलकुलेशंस कैसे करनी है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ ही कुछ रिलीफ भी दिए गए हैं। रिलीफ गिवन टू दोज एक्वायर्ड शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स बिफोर 31 जनवरी 2018, दैट इज ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट। जिन लोगों ने भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स एक्वायर किए हैं या परचेज किए हैं 31 जनवरी 2018 से पहले, उनके लिए कुछ रिलीफ दिया गया है और उस प्रोविजन को नाम दिया गया है ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट। इसके अंदर कैलकुलेशंस थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हैं 31 जनवरी 2018 के पहले, तब आपको टैक्सेबिलिटी के लिए दूसरी टाइप की कैलकुलेशंस करनी होंगी जो कि हम इस वाले वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक काफी लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ असेसमेंट या 19-20 की बात कर रहे हैं। अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं 31 जनवरी 2018 के बाद, तब ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है उसका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और ये चीज हम कैसे जानेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब माना जाएगा जब आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को होल्ड किया है मोर देन 12 मंथ्स। अगर आप कोई भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं और उसे आप होल्ड करते हैं 1 साल से ज्यादा, तो वो हो जाते हैं आपके लॉन्ग टर्म
कैपिटल असेट्स और उनको सेल करने पर जो आपको गेन होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। लेकिन अगर आपने इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हैं और उन्हें आपने 12 महीने से पहले मतलब एक साल के अंदर ही अंदर आपने उन्हें सेल आउट कर दिया तो वो बोले जाएंगे आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और उनको सेल करने से आपको जो गेन होगा उसे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनकम टैक्स एक्ट में इन दोनों के लिए ही अलग अलग प्रोविजंस हैं टैक्सेबिलिटी के, इसलिए ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। चलिए जानते हैं टैक्सेबिलिटी के बारे में। म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स और दूसरे होते हैं नॉन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में हमें अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलता है और अप टू 1.5 लाख रुपए हम 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर हमने ELSS फंड्स में निवेश किया हुआ है। ELSS का मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। आप 3 साल तक म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट नहीं कर सकते तो ये आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बन जाते हैं। और 3 साल के बाद अगर आप उनका रिडेम्पशन करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो उन पर जो कैपिटल गेन होगा अगर वो कैपिटल गेन आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो रहा है तो उस पर आपको टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10% और इस पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इंडेक्सेशन क्या होता है वो जानना इस वीडियो में जरूरी नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये मेनली प्रॉपर्टी के केस में मिलता है, जब आप कोई लैंड या प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट करते हैं तब इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन में क्या होता है कि आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है, हर साल का एक पर्टिकुलर इंडेक्स है और उस इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, तो वो हम फिर कभी किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड्स के केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूसरे रहते हैं नॉन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स जिनमें की कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और आप उन्हें कभी भी सेल आउट कर सकते हैं। इन पर 80C का रिडक्शन हमें नहीं मिलता है और इन वाले म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आपने सेल आउट करने पर 1 लाख से ज्यादा का कैपिटल गेन अर्न किया तब आपको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अभी आगे वीडियो में हम एक एग्जांपल से भी इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। साथ ही इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U आपको नहीं मिलते हैं और रिबेट अंडर सेक्शन 87A वो भी नहीं मिलता है अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन 112A, मतलब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, तब आपको फ्लैट 10% का टैक्स देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। आपको रिडक्शंस नहीं मिलेंगे और आपको रिबेट भी कोई नहीं मिलेगा। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया है म्यूचुअल फंड्स परचेज्ड आफ्टर 31 जनवरी 2018। 31 जनवरी 2018 के बाद का केस हम ले रहे हैं क्योंकि अगर आपने 31 जनवरी 2018 के पहले शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हैं तो फिर वहाँ पर कैलकुलेशंस दूसरे टाइप से करनी पड़ेंगी और वो वाला टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में काफी लेंथी हो जाएगा दोनों कैलकुलेशंस को लेकर चलना। तो मान लेते हैं कि आपने परचेज किए थे म्यूचुअल फंड्स 50,000 रुपए में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 50,000 रुपए, सेल कंसिडरेशन आपको मिला 1 लाख रुपए का, मतलब आपका कैपिटल गेन हुआ 50,000 रुपए का। सेल में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दी, कैपिटल गेन आ गया 50,000 रुपए का। अब क्योंकि ये 50,000 रुपए जो कैपिटल गेन है ये 1 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि सेक्शन 112A में क्या बताया गया है कि अगर आपके कैपिटल गेन का अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा का है तब आपको 10% का टैक्स देना है। अब यहाँ पर हम एक दूसरा केस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, मतलब आपने म्यूचुअल फंड को 1 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड किया और आपने उसे सेल आउट कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो गया, तो उसको सेल करने पर आपको जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा और उस पर फ्लैट 15% का टैक्स है। ये पहले भी सेम था, पहले भी 15% का ही लगता था और अभी भी वही लगेगा, 15% का ही टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर। तो आपको 50,000 रुपए का 15%, 7,500 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। साथ ही इसमें से आपको 80C और 80U के अंदर कोई भी रिडक्शंस नहीं मिलेंगे और कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा 87A का। अब इसी में एक दूसरा केस ले लेते हैं जहां पर कि हमारा कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है।
यहाँ पर भी हमने सेम केस लिया है कि आपने म्यूचुअल फंड्स परचेज किए हैं 31 जनवरी 2018 के बाद। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, हमने शेयर्स परचेज किए थे या म्यूचुअल फंड्स परचेज किए थे हमने फरवरी 2018 में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारी 50,000 रुपए की, इतने में हमने खरीदे थे। इसके बाद हमने मार्च 2019 में उनको सेल कर दिया और हमारा सेल कंसिडरेशन आया 2,00,000 रुपए का, मतलब कैपिटल गेन हो रहा है हमें 1,50,000 रुपए का। सेल में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो क्योंकि अब हमें 1,00,000 रुपए से ज्यादा का कैपिटल गेन हो रहा है तो इस पूरे अमाउंट पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा 10% का। इसमें से आप 80C से 80U तक कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं और कोई भी रिबेट क्लेम नहीं कर सकते हैं 87A का। और अगर मान लें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, मान लें कि आपने 1 साल से कम समय के लिए आपने होल्ड किया, उसके बाद आपने सेल आउट कर दिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 1,50,000 रुपए का, तो आपको फ्लैट 15% देना होगा 1,50,000 रुपए के ऊपर, मतलब 22,500 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट करने पर जो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करनी है असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये प्रोविजन सिर्फ उसी केस में है जबकि आपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स परचेज किए हैं 31 जनवरी 2018 के बाद। अगर आपने उससे पहले इनको परचेज किया है तो उस केस में आपको कुछ बेनिफिट दिया गया है, पूरे पूरे कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ पर कैलकुलेशंस चेंज हैं और वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।